हाय बच्चों, आपने बुलाया और लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। बट बच्चों, इस बार हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताने से पहले, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, आपके बदले मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चाहता हूँ बच्चों, एक छोटी सी चीज़ चाहता हूँ। इस वीडियो में टारगेट रखा है एटलीस्ट 50 लाइक्स का, तो बच्चों वो मेरा टारगेट आपने पूरा करना है। ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता रहूँगा, सो दैट आपके बहुत अच्छे नंबर केमिस्ट्री के अंदर आ जाए। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, 50 लाइक्स, थैंक यू। देन फ्रेंड्स, यहाँ जी बच्चों देखते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आ सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। बच्चों अभी अभी आप लोगों का मैथ्स का पेपर हुआ है और मैथ्स का पेपर जो है पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आया था, तो बच्चों ऐसे ही केमिस्ट्री का पेपर भी पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर खास फोकस करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के बाद क्या होता है कि आप उनके जैसे और क्वेश्चंस भी कर पाते हो स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि सबसे आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है बुक का, उसमें से सिर्फ हमें इस साल गैसीय स्टेट को ही करना है स्टूडेंट्स। कौन से स्टेट को करना है? गैसीय स्टेट को ही करना है। तो गैसीय स्टेट के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, और उनको देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, गैसीय स्टेट जो है उसमें लॉज होते हैं, आपको पता होगा गैस लॉज होते हैं। गैस लॉज के अंदर नंबर 1 आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होता है P1V1 = P2V2। अगेन वीडियो को शॉर्ट रखना है, तो कंटेंट की वीडियो नहीं है, आपको यह बताना है कि बॉयल्स लॉ के ऊपर कौन से दो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बहुत ज़्यादा आसान है, चारों में से 3 चीज़ें दे रखी हैं और एक चीज़ निकालनी है। उसके बाद बच्चों आता है चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स एज कांस्टेंट। और उसका फॉर्मूला होता है V1/T1 = V2/T2। क्या फॉर्मूला होता है? V1/T1 = V2/T2। और बच्चों उसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है VT = V0 + T/273.15। इसके ऊपर बच्चों दोनों न्यूमेरिकल हैं, 11th और 21, दोनों के दोनों हॉट्स हैं और दोनों के दोनों बहुत फेवरेट क्वेश्चंस भी हैं बच्चों, इनको बहुत अच्छे से करना। उसके बाद बच्चों जो बाकी के गैस लॉज हैं जैसे कि गे-लुसैक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैक एक्सरसाइज में इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, इन क्वेश्चन जो है बच्चों वो है आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर, और आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = W/mRT या PV = nRT। पूरी की पूरी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड हैं। मतलब ये चैप्टर करने के लिए बहुत कम टाइम में आपका ये चैप्टर आराम से हो सकता है। PV = nRT जो फॉर्मूला है उसके ऊपर कितने न्यूमेरिकल्स हैं आप देखो, 5th क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 17th और 18th, जिसमें से स्टूडेंट्स 18th और 5th थोड़े से हॉट्स क्वेश्चंस में आते हैं। और उसके अलावा एक और आता है बच्चों, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि ये कहता है कि टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए मिक्सचर इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ द प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, द गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग। ओके, तो उसमें क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 15, 7, 8 और 19। देखो बच्चों, इतने आसान लॉ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 15th है और जो क्वेश्चन नंबर 8th है उनके अंदर क्या किया गया, क्वेश्चन नंबर 15th और 7th के अंदर बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन और डाल्टन्स लॉ को जोड़ के बनाया गया है, और क्वेश्चन नंबर 8th जो है वो बॉयल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को जोड़ के बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के लॉज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी क्वेश्चंस कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर में करने चाहिए। यस बच्चों, तो पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको करने चाहिए स्टेट्स ऑफ मैटर के गैसीय स्टेट के टॉपिक के ऊपर। बच्चों अब क्योंकि ये तो है नहीं कि सारे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं जो एनसीईआरटी के बीच बीच में से बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के ही करने हैं। देखो बच्चों, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो मिलता है वो मिलता है व्हाट आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी। ये क्वेश्चन जो है बच्चों 5 मार्क्स में भी आ सकता है किसी किसी स्कूल में। उसके बाद आता है बच्चों राइट डिफरेंसेस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। रियल गैस वो होती है जो काइनेटिक गैस थ्योरी को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती, और आइडियल गैस जो है वो हर टेम्परेचर प्रेशर पर फॉलो करती है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है। तो यही मेरा अगला क्वेश्चन है कि वाई गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, मतलब कोई भी गैस जो है वो आइडियल क्यों नहीं हो सकती है, तो वो काइनेटिक गैस थ्योरी के फॉल्टी अजम्पशंस की वजह से है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? जेड होता है PV/nRT, और इसकी वैल्यू 1 होती है आइडियल गैस के लिए और 1 नहीं होती है रियल गैस के लिए।
उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हम गैस को लिक्विड नहीं बना सकते जितना मर्जी हम प्रेशर लगा लें। मैंने क्या बोला, एक क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हम गैस को लिक्विड नहीं बना सकते जितना मर्जी प्रेशर हम लगा लें। और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चन हो रहे हैं 22 और 23। इसके अलावा बच्चों एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है राइट वेंडर वॉल गैस इक्वेशन। राइट वेंडर वॉल गैस इक्वेशन, वेंडर वॉल इक्वेशन, ओके बच्चों ये ना रियल गैस इक्वेशन की तरह होता है और इसके अंदर जो है वो वेंडर वॉल पैरामीटर्स होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23 एक्चुअली यही है कि व्हाट आर वेंडर वॉल पैरामीटर्स। और बच्चों ऑब्वियसली डिफाइन ऑल द गैस लॉस तो एक क्वेश्चन है ही है, प्लस इनके ग्राफ जरूर करना बच्चों, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चों मैं आपको 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको टॉप 10-15 क्वेश्चन बता सकता हूँ जो आप एग्जाम के लिए जरूर करके जाएँ और आपको पेपर में कोई मुश्किल ना हो। बच्चों अब मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस बच्चों, तो बच्चों अभी अभी आपने देखा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि चैप्टर नंबर 5 के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए जरूर पढ़ के जाने चाहिए। बच्चों अब हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने चाहिए और उसके साथ मैंने बच्चों लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला, ओके। तो देखो बच्चों जो पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो थर्मोडायनेमिक्स का है जो आपको हमेशा आना चाहिए वो आना चाहिए डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ओके। डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी चेंज, क्यू होता है हीट, डब्ल्यू होता है वर्क। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन भी बोलते हैं और इसके ऊपर बेस्ड जो एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल है वो है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का 7th न्यूमेरिकल, ओके। देन वी हैव द फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी चेंज और ये डेल्टा एच और डेल्टा यू इसका डेरिवेशन आने के भी बहुत चांसेस है बच्चों, तो इसका डेरिवेशन भी जरूर करना, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद आते हैं बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इरिवर्सिबल, वर्क डन रिवर्सिबल, जिसका फॉर्मूला ये है। और प्रेशर होता है इसके अंदर एक्सटर्नल, ये पी एक्सटर्नल प्रेशर होता है। बच्चों याद रखना कि अगर वैक्यूम में मतलब अगर प्रेशर एक्सटर्नल जीरो हो तो उस केस में वर्क डन भी जीरो होगा। इसके ऊपर बैक एक्सरसाइज सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन है स्टूडेंट 6.2, 6.3, 6.4 जरूर करके जाना, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। और जहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करोगे 12, 13 और 14। इसके बाद आता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि जिससे पता लगता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। और आपको याद होना चाहिए कि अगर इसकी वैल्यू आ जाती है नेगेटिव तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। और इसके ऊपर आप करोगे क्वेश्चन नंबर 17 और 19। आई थिंक इतनी छोटी सी कंटेंट के अंदर मैंने आपको इतना कुछ बता देता हूँ, तो बच्चों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, क्योंकि इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर इतना कुछ देना बहुत आसान नहीं है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।